साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उनका फोकस दो चीजों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला, पहला आर्थिक क्षेत्र और दूसरा सामरिक क्षेत्र। इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत ने सफलता भी हासिल की। वहीं रक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मुकाम हासिल किए। भारत अभी तक ज्यादातर मिसाइलों और रक्षा हथियार दूसरे देशों से ही खरीदता आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत की ताकत और अधिक बढ़ने वाली है। दरअसल अगले साल भारत और फिलीपींस उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसके तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। अगले साल होने वाले समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते शामिल होंगे। और यहां हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत रूस ने संयुक्त रूप से बनाया है। इस डील के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि फिलीपींस के साथ भारत अगले साल डील पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप भेजेगा। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की अलग अलग जगहों पर टेस्टिंग भी की है। अब इसकी रेंज भी बढ़ाकर 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। खास बात तो यह है कि इसकी रेंज बढ़ाने के बावजूद इसकी गति में कोई भी कमी नहीं आई है। इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। इस मिसाइल के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। ये सभी टेस्ट मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए किए गए थे। अब इसी कड़ी में भारत इस मिसाइल को अन्य देशों को भी बेचने जा रहा है, जिसकी शुरुआत फिलीपींस से की जा रही है। बताया जा रहा है कि मिसाइल की सप्लाई को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच पहले दौर की बातचीत भी हो चुकी है। वहीं फिलीपींस के अलावा कई देश और हैं जो भारत और रूस द्वारा तैयार इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। खास तौर से खाड़ी देश इसे लेकर काफी रुचि दिखा रहे हैं। भारत ने सामरिक दृष्टि से अहम जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल को पहले ही तैनात किया हुआ है। खास तौर से चीन के खतरे को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया गया है। यहां भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि चीन जितना भारत को छेड़ेगा, भारत उतनी तेजी से जवाब देगा। यहां भारत अपनी सीमा में तो जवाब दे ही रहा है, साथ ही साथ उन देशों को भी भारत मजबूत कर रहा है जो चीन के सताए हुए हैं। अब यहां फिलीपींस के पास भारत का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र आ गया तो फिर आप समझ लीजिए चीन को उल्टे पांव अपनी बनावटी सीमा से पैर पीछे खींचने पड़ जाएंगे।